Welcome friends to Infinite Green MT YouTube channel. तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि जब प्लांट पे एफिड्स अटैक होता है तो उससे हमें कैसे डील करना है, कैसे अपने प्लांट को एफिड्स अटैक से बचाना है और हमें क्या होते हैं एफिड्स, वो क्यों अटैक करते हैं, कब अटैक करते हैं और इन सारी बातों में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफिड्स होते क्या हैं। तो देखिए एफिड्स एक छोटे से कीड़े होते हैं, आप कह सकते हैं मिली बग से थोड़े ज़्यादा छोटे होते हैं या मिली बग से आधा उनका साइज होता है अप्रॉक्सीमेटली। और जो एफिड्स हैं वो स्केल से भी थोड़े छोटे ही होते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं और ये ब्लैक, ग्रीन, येलो, रेड और वाइट, ऑल ब्लैक, ये इन छह रंगों में पाए जाते हैं और इनकी तीन फेवरेट जगह होती हैं फ्रूट, फ्लावर और पत्तों के नीचे। ये आपको पत्तों के पास बहुत ही कम मिलेंगे, ये ज़्यादातर पत्तों के नीचे मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आपको बताता हूँ मैं कि एफिड्स जो है ये इन्होंने अनार के प्लांट पे अटैक किया है और इसको हम पूरा कंट्रोल करने का आपको ऑर्गेनिक प्रोसीजर चाहिए तो वो है 6 दिन का, और अगर आप केमिकल ट्रीटेड करें तो आप वन शॉट पे भी इनको हटा सकती हैं। लेकिन देखिए हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए मैं इसको ऑर्गेनिकली ट्रीट कर रहा हूँ तो उसका वो 6 दिन का प्रोसीजर था। तो मैं आपको वो पूरा प्रोसीजर भी बताऊँगा और एफिड्स का हम थोड़ी और बात करते हैं। तो देखिए एफिड्स जो है ये चीटियों के द्वारा लाए जाते हैं और इनके एक और पहचान होती है कि नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। जैसे कुछ कीड़े होते हैं जो प्लांट के किसी भी पोर्शन में अटैक कर देते हैं फिर कहीं भी स्प्रेड हो जाते हैं, लेकिन एफिड्स में ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये नीचे की तरफ से बढ़ना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे इनके ऊपर तक जाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों, तो देखिए जो एफिड्स है वो अपना नीचे के एरिया में अटैक करते हैं, वो एग ले ज़्यादा करते हैं एफिड्स। तो क्या होता है कि जो चीटियाँ हैं और जिस जिस प्लांट में एफिड्स अटैक होगा वहाँ चीटियाँ बहुत ज़्यादा घूमेंगी ही घूमेंगी। तो देखिए क्योंकि जब चीटियाँ उस प्लांट में घूमती हैं तो चीटियाँ जो है एफिड्स के अंडे अपने उनके पैर पर चिपक जाते हैं। तो क्या होता है चीटियाँ जैसे कि प्लांट पे पूरे प्लांट पे घूमती हैं तो उनके पैर के अंडे जो है पूरे प्लांट के एरिया पर चिपक के वहाँ से छूटते रहते हैं और वो जब अंडा फटता है तो फिर वहीं से नया एफिड्स बन जाता है और वैसे ही धीरे धीरे करके पूरा प्लांट पे फैल जाते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और कि एफिड का जो फेवरेट टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जब आपके वहाँ पे इस वेदर कंडीशन का मौसम होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके प्लांट्स में एफिड अटैक करें। तो देखिए इसको ऑर्गेनिकली बात करें तो देखिए मैं इसमें ज़्यादा जो एफिड्स ख़तरनाक नहीं होते जैसे मिली वगैरह वो भी हमारी 2-3 शॉट्स में गाय हट जाते हैं, ये बस ये भी 2-3 शॉट्स में चले जाते हैं अगर कम अटैक हो। तो मेरे प्लांट में इनका बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है तो 2-3 शॉट्स में नहीं जाएंगे, इसके लिए मेरे को 6 दिन का प्रोसीजर होता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो अगर आपके प्लांट में बात करते हैं थोड़ा सा एफिड्स अटैक हो, अगर मान लीजिए आपको 1-2 पत्ते या 1-2 फ्रूट्स पर दिख जाए, आपको बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज पर दिख जाए कि आपके प्लांट में एफिड्स है नीचे वाले एरिया में, तब सब सिंपली उन लीव्स उन फ्रूट्स को हटाएं और फेंक दीजिए क्योंकि एफिड्स आसानी से स्टेम पे नहीं आते, वो लीफ फ्रूट्स और फ्लावर्स पे रहते हैं। तो अगर आपको अपने नीचे के प्लांट के उस पर दिखे कि 1-2-3-4 एफिड्स है तो आप फटाफट उनको हटाएं और उनको या तो अपने गार्डन से बहुत दूर फेंक दें या उनको कुचल दें अच्छे से ताकि उसमें जो भी एफिड का जितना भी हो सब डेड हो जाए। तो देखिएगा आपके में बहुत हल्का सा तो ये है और आपके प्लांट भी थोड़ा बहुत एफिड अटैक है तो फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि वो है आप हर हफ्ते में 3 बार आप स्प्रे करिए। स्प्रे कौन सा करिए वो हम वीडियो में आके बात करते हैं। तो देखिए हफ्ते में आप 3 बार स्प्रे करेंगे तो एफिड अटैक बिल्कुल हट जाएगा आपका एक हफ्ते में ही। और अगर मेरे प्लांट्स के साथ आपका ज़्यादा अटैक है तो आपको पूरा 6 दिन का काम होगा एफिड्स को हटाने का। तो देखिए मेरे बहुत ज़्यादा हो गया था, तो देखिए मैंने पहले इसमें देखा था थोड़ा बहुत था तो मैंने तो ज़्यादा मतलब डीप में नहीं लिया क्योंकि ऐसे ही मेरा हिबिस्कस का प्लांट है उसमें भी हल्का फुल्का स्केल का अटैक होता ही रहता है, तो लेकिन उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम देते स्केल नीचे नीचे रहते फिर अपने मर जाते हैं तो मेरे को लगा एफिड्स भी ऐसे हो जाएंगे, लेकिन एफिड्स में बिल्कुल ही अलग हुआ, उनका बहुत ज़्यादा अटैक हो गया। और अगर आपके प्लांट में एफिड्स अटैक नहीं हुए हैं लेकिन अगर आपका टेम्परेचर इसके बीच में है और एफिड्स भी नहीं है आपको जो चीज़ बोल रहा हूँ आप नॉर्मली भी करेंगे तो बाकी कोई भी टेम्परेचर तो बाकी आपके जो अटैक होते हैं प्लांट पर से बच जाएगा। तो
देखिए आप उसने क्या होता है, हम 15-20 ऐसे एक बार प्ले कर दीजिए। और स्टिकर ट्रैप मैंने आपको वीडियो में पहले अपने बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, तो आई बटन आपके राइट साइड पर आ रहा होगा। और जैसे आप अपने प्लांट से अपना स्टिकर ट्रैप लगा लीजिए और 15-20 जीते स्प्रे करिए तो कोई भी पेस्ट अटैक नहीं आएगा। तो देखिए मैंने यही मिस्टेक कर दी, मैं वैसे पहले करता था लेकिन अब मैंने थोड़े टाइम से बंद कर दिया तो मेरे अनार के प्लांट पे एफएस का अटैक हो गया। तो देखिए आपको मैंने बताया, तो अगर आपके प्लांट में बिल्कुल ना हो तो आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। और अब बात करते हैं कि मेरे ज़्यादा हो जाए कौन से स्प्रे की मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। तो देखिए इसके लिए मैं दो स्प्रे आपको रिकमेंड करूँगा। पहला तो मेरा एक्न वाला स्प्रे था, आपको याद होगा, आपने अगर उसकी वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं, उसका आई बटन आपके राइट साइड में आ रहा होगा। और दूसरा स्प्रे हमारा नीम ऑयल। तो देखिए नीम ऑयल में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन सा नीम ऑयल, एक जो यूज़ होता है हमारे नॉर्मली वो वाला या प्लांट्स के जो अलग से आते हैं वो वाला। तो देखिए आप जो अलग से प्लांट्स के लिए नीम ऑयल आते हैं 1500 ppm वाले, आप वो यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा अटैक हो तो पूरे 7 दिन तक कौन सा प्रोसीजर है इसको आपको यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं कि देखिए कोई भी स्प्रे हो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे केमिकल हो, अगर आप उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अपना प्लांट पर इफेक्ट छोड़ेगा। जैसे बहुत लोग सोचते कि अगर ऑर्गेनिक स्प्रे जितना मर्जी स्प्रे कर लो उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, तो देखिए उसका भी आता है कुछ धब्बे उसमें पड़ी जाती है लीव्स फ्लावर्स पे तो और फ्रूट्स पे भी। तो देखिए उसका भी आपको बताता हूँ सोल्यूशन क्या है। ये देखिए पोस्ट 16 का प्रोसीजर, देखिए डे 1 में क्या आपको दोनों से कोई भी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जो है अकॉर्न वाला स्प्रे यूज़ किया था और मैं 6th day पूरा ये प्लांट से हट गया था। तो देखिए day 1 में जो है आपको उस दिन जो भी आप स्प्रे यूज़ कर रहे हैं आपको पूरा स्प्रे करना है प्लांट पे इवनिंग के टाइम या आफ्टरनून के टाइम, आफ्टरनून में धूप वाले टाइम पे कोशिश करें नहीं, इवनिंग के टाइम आपको पूरा स्प्रे करना है। और फिर day 2 भी आपको बिल्कुल सेम पूरे प्लांट पे स्प्रे करना है और day 3 भी बिल्कुल सेम आपको पूरे प्लांट पे स्प्रे करना है। और उसके बाद आपको day 4 जो होगा उस आपको कुछ भी नहीं करना प्लांट पे। आपको day 1 में तो कुछ नहीं फर्क दिखेगा, आपको 2 में भी हल्का हल्का दिखेगा, लेकिन आपको day 3 में हल्का हल्का फर्क दिखना शुरू होगा और आपको day 4 में कुछ भी नहीं करना प्लांट पे। और day 5 आपको पूरे प्लांट को अच्छे से पानी से धोना है, सिर्फ पानी से, क्योंकि आप देखिए एक दिन छोड़ के आपने पहले 3 दिन लगा था हमने प्लांट पे हैवी स्प्रे किया है, तो देखिए प्लांट को बैड इफेक्ट ना छोड़े ज़्यादा, तो हम पूरे प्लांट को वाटर से वॉश करेंगे तो उससे क्या होगा कुछ फिफ्स तो वैसे हट जाएंगे और जो भी पहले 3 दिन का लगातार स्प्रे का असर था वो भी हट जाए कम हो जाएगा। तो देखिए day 5 में सिर्फ पूरे प्लांट को अच्छे से वाटर से साफ करना है और day 6 जो है हमें फिर से स्प्रे करना है और बस day 6 हमें बिल्कुल फिर से स्प्रे करना है। तो उसके अगले दिन आपको फिर टेस्ट आप 5 डे वॉश करेंगे तो आपको दिख जाएगा आपके प्लांट पे हल्के वल्के नहा के पर थोड़े बहुत एसिड्स होंगे। तो देखिए आपको इसलिए day 6 जब आप हर पूरे प्लांट पे एक बार स्प्रे करेंगे उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको day 7 लगे कि अभी कुछ रह गए हैं तो आप 1 दिन और स्प्रे कर सकते हैं, या आपको day 7 लिखे कि अभी भी थोड़ा केमिक मतलब थोड़ा हमने स्प्रे किया उसका थोड़ा लग रहा कि मतलब प्लांट पे उसको कोई कई कई पे उसके धब्बे से पड़ रहे हैं तो आप day 7 भी प्लांट को वाटर से एक बार पूरा साफ कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो देखिए बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था पूरे प्लांट पे और जो मेरे फ्लावर्स अभी फ्लावरिंग टाइम चल रहा था मेरे प्लांट में, तो देखिए जो भी फ्लावर्स थे सारे वो भर गए थे कीड़ों से, एक फ्लावर भी नहीं दिख रहा था। तो देखिए पूरा साफ हो गया 3 दिनों में, तो अगर आप ना हो तो आपको मैंने day 7 बताया, वरना 6 दिन में आपका आमतौर पर पूरा अच्छे से जो प्लांट से एफर्ट्स अटैक है वो हट जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो या आपको अगर अपने वहाँ पे नीम ऑयल 1500 ppm ना मिल रहा हो तो आप हमसे या कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए हो गार्डनिंग से रिलेटेड तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। और अगर आपको अकाउंट वाला पेस्टिसाइड चाहिए हो तो वो हम नहीं बेचते, वो आपको डायरेक्टली जो अकाउंट वाली वीडियो है आपको अमेजोन का लिंक मिल जाएगा, मैंने वहाँ से परचेज किया था, आप किसी भी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। या आपको और भी कोई अगर आपको पता हो कोई स्प्रे जिससे मतलब हम इसको साफ कर सकते हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।